बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी सिस्टर आई है और ये मेरी चाची का घर है और वहाँ पे आज मेरा स्टे था। और ये फूल ऐसे हैं जैसे मुस्कुरा रहे हैं। ये गुलाब कितना प्यारा लग रहा है, वो देखिए गुलाब ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत है अल्लाह की कुदरत में। आज मैनचेस्टर में हमारा पहला दिन है और अब हमने गाड़ी पार्क की है और हमने मॉल में आए हैं। ट्रैफल्ट यहाँ का जो सबसे बड़ा मॉल है, ट्रैफल्ट सेंटर में आए हैं और शॉपिंग कर ली यहाँ से। मॉल तो अच्छा है, आपको इसके स्ट्रक्चर को अगर देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत इसके इटली की रिजेंबलेंस भी देंगे। जैसे वहाँ पे मॉल्स हैं तो उस तरह का यहाँ पे उन्होंने एम्बियंस दिया हुआ है। अब हमने सोचा शॉपिंग के साथ साथ थोड़ी देर कुछ खाना पीना भी हो, तो सोचा बूबा टी ली जाए। ये यहाँ का काफ़ी हाइप ब्रांड है बबलियोजी, सो यहाँ से मैंने बबल टी ली, स्ट्रॉबेरी बेरी विद लीची पर्ल्स एंड इट वाज रियली गुड। और बाकी सब के लिए कुछ हेल्दी तो हम लोगों ने स्मूथी लिए। फिर हम पेंडोरा आ गए, मैंने कुछ चार्म्स लेने थे अपने ब्रेसलेट के लिए, सो आई एम हेयर। सो आई एम गेटिंग दिस आयरन मैन और साथ में ये अपना स्टार से रिलेटेड आई एम गेटिंग द ब्लू वन। अब यहाँ से आगे हम जा रहे हैं मॉल की एक्सटेंशन में। ये साइडों पे इसके ग्लास में रखा हुआ है जिसकी वजह से आपको सारा बाहर का व्यू नज़र आएगा। और एक्सटेंशन में इसके यहाँ पे प्राइमार्क है, साथ में एक दो कैफ़ेज़ हैं और यहाँ का बहुत फेमस कैफ़े एलान कैफ़े, वो भी यहीं पर है। ये है एलान कैफ़े, इसकी एक ब्रांच दुबई में भी है बट आई फाइंड इट वेरी ओवर हाइप्ड। अब यहाँ से हम आगे जाएंगे फूड कोर्ट की तरफ। सो फूड कोर्ट पे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थीम दिए हुए हैं, जैसे कि ये हम चाइना टाउन की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे मोस्टली चाइनीज़ रेस्टोरेंट होंगे। देन आगे इन्होंने न्यू ऑर्लिंस का एक थीम दिया हुआ है जिसमें न्यू ऑर्लिंस के जो कैफ़ेज़ वगैरह होंगे वो सब होगा। यहाँ पर आपको काफ़ी हलाल ऑप्शन भी मिलेंगे। ये यहाँ का काफ़ी फेमस कैफ़े है आर्चीज एंड इट इज़ हलाल, लेकिन इसकी वेटिंग लाइन बहुत ज़्यादा थी सो वी स्किप्ड इट। हम
ये फूड कोर्ट के अंदर आ गए हुए हैं। यहाँ पे फूड कोर्ट का थीम उन्होंने दिया हुआ है क्रूज़ की तरह, ऐसे लग रहा है कि आप क्रूज़ के अंदर हैं। यू कैन सी हमें ज़्यादा लाल ऑप्शंस मिले नहीं, सो वी एंडेड अप हैविंग पिज़्ज़ा हट। लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा ब्लैंड था, आई पर्सनली डिडंट लाइक इट एट ऑल। तो